शराब एक वो अभिशाप है जिसने ना जाने कितनी मांगों के सिंदूर उतरवा दिए, ना जाने कितने बच्चों को अपने पिता से मरहूम होना पड़ा, ना जाने कितने भाइयों को अपनी बहनों से बिछड़ना पड़ा। शराब बनती है सड़े फलों से, तभी तो सड़ा देती है शरीर। पहले मौज मस्ती के लिए पीता है आदमी, पर धीरे धीरे पी जाती है शराब आदमी का शरीर। विडंबना यह है, सरकारें कहती तो बहुत कुछ है शराबबंदी के बारे में, पर अमली जामा पहनाता है कोई कोई। शराब से होने वाली आय तो ज्यादा है, पर जिंदगी का मूल्य है बहुत कम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शराब शरीर आत्मा दोनों का नाश करती है। इस अमर वाक्य को असली अंजाम तक पहुंचाया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और बिहार में शराब पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। शराब से होने वाले राजस्व का घाटा उठाने के बावजूद नीतीश बाबू ने यह बीड़ा उठाया है कि अब कोई माँ बुढ़ापे में अपने बच्चे के लिए नहीं रोएगी, कोई बच्चा अपने पिता के बिना नहीं रहेगा। इस उच्च विचार वाले श्री नीतीश कुमार को हम सब दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और ये मानते हैं कि वो आज के युग पुरुष हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के निवासियों का, जिन्होंने नीतीश जी की शराबबंदी का भरपूर साथ दिया है और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद।